हमारे साथ गौतम गुडीन जी मौजूद हैं, तो आइए इनसे जानते हैं। गौतम गुडीन सर, स्टेट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, और बहुत बहुत ही राम राम प्रणाम सभी बड़े बुजुर्गों को, मेरी माताओं को बहुत बहुत ही धन्यवाद। सर आज आप यहाँ पे रैली कर रहे हैं महेंद्रगढ़ में, तो जनता आपको कितना क्या प्यार दे रही है, इतना ज्यादा हुजूम देकर आपको कैसा क्या लग रहा है? हाँ, जनता का प्यार, सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद हमारे साथ है, क्योंकि हमने जमीनी लेवल पर काम किया है, सभी लोगों के जुड़ाव के साथ हमने काम किया है। और मैं तो अभी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अब की बार आप एक बार जनसेवा का मौका हमें दें, हम आपके बीच में वो काम करके दिखाएंगे जिसकी आपने कल्पना की थी, जिसके बारे में आप सोचते हो, और जैसा हमारे आने वाले पीढ़ियों को चाहिए। बस एक मौका आप हमें देख के देखें, उसके बाद में काम हम करके दिखाएंगे। काम क्या होते हैं विधायक के, उसके मायने क्या होते हैं, ये हम करके दिखाएंगे। यही अपील है मेरी। सर राहुल गांधी जी ने कल कहा था कि पिछले 40 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं आई जितनी 5 सालों में आई है, तो क्या उनकी सरकार में कितनी क्या बेरोजगारी थी? नहीं नहीं, यहाँ तो हमारे बुरा हाल है ना, यहाँ का जो प्रतिनिधि थे, प्रतिनिधि बने हैं बार बार, उन्होंने यहाँ के क्षेत्र के बारे में तो सोचा ही नहीं। यहाँ प्रतिनिधियों की कमी है और वो पूरी तरह से उदासीन बने रहे अपने पद के प्रति और जनता के प्रति, उनकी कमी है, उसको हम पूरा करेंगे। और जनता ने हमें अब की बार जनसेवक के रूप में चुन भी लिया है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स, बहुत अच्छा हुजूम हमें देखने को मिलता है, बहुत अच्छा प्यार हमें मिल रहा है। तो अब की बार आपको महेंद्रगढ़ जनता का इतना प्यार मिल रहा है, तो आपको लगता है आप बिल्कुल यहाँ से शोर यहाँ से जीत सके हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप रोज देख रहे हो, कल यहाँ पे महेंद्रगढ़ से बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी और बड़े बड़े नेता आ रहे थे, लेकिन जनता, हमने एक गांव से आह्वान किया था, वहीं पर आपने देखा इनकी रैली से भी ज़्यादा जनता थी, हमारे बड़े बुजुर्ग थे, मेरी माताएं थी, बहनें थी, बच्चे थे, तो हमें इनका प्यार, सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद मिल चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये ना समझे कि अब कुछ बाकी है, हमें समर्थन मिल चुका है, जनसेवक चुन चुकी है जनता हमें अपनी सेवा करने के लिए, और वो हम करेंगे। सर आप महेंद्रगढ़ में अब रैली कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं महेंद्रगढ़ की क्या हालत है, अगर यहाँ की जनता आपको जिता के विधानसभा में भेजती है, तो आप यहाँ महेंद्रगढ़ में मुख्य रूप से क्या क्या सुविधा देंगे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। सुविधाएं महेंद्रगढ़ में, जैसे शिक्षा पे सबसे पहले काम किया जाएगा, हमें सरकारी स्कूलों की फैकल्टी को चेक किया जाएगा, उनकी सुविधा उनमें देखी जाएगी, हमारे बच्चों की सारी सुविधा वहाँ पर है या नहीं है, और फिर युवाओं के रोजगार के लिए अवसर पैदा किए जाएंगे, बड़े स्तर पर ना सही, छोटे स्तर पर उद्योग धंधे किए जाएंगे, मानव संसाधन के कार्यों पर जोर दिया जाएगा, और हमारे जो यहाँ की महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की जो समस्या है उसके लिए एक साल के अंदर नारनौल को 23वां जिला बनाया जाएगा, जिससे महेंद्रगढ़ के युवाओं का सारा सभी प्रकार का ज्वलन हाँ हो जाएगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। तो गौतम गुडीन जी ने यहाँ पे कहा है कि ये महेंद्रगढ़ में लोगों को रोजगार और युवा का पूरा साथ देंगे। मैं अमित कुमार माहौर अपने कैमरामैन अमित राज के साथ, स्टेट न्यूज हरियाणा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।